हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वास्थ्य और चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ काले चने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए चने को हमने रात में पानी में भिगोकर रख दिया था। सुबह वॉश करके कुकर में डाल देते हैं, नमक और पानी डाल के हम इसको उबाल लेते हैं 3 सीटी आने पर। चने हमारे उबल गए हैं, खोल कर हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चने हमारे अच्छे से उबल गए हैं। इधर कढ़ाई में हमने तेल डाल के चढ़ा दिया है। अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एक गरम मसाला डालकर नमक स्वाद अनुसार और पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह घोल कर मसाले को घोल कर रख दिया है। तेल हमारा गर्म, उसमें जीरा डाल दिया है, ये हींग डाल देते हैं। इसको 1 सेकंड के लिए हम चला के भून लेते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको भी 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब जो मसाला का घोल में तैयार किया उसको डाल देते हैं, उसको भी 2-3 सेकंड के लिए पका लेते हैं। अब इसमें जो बॉयल किया हुआ चना है वो डालकर हम अच्छे से चला देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसमें हम आमचूर पाउडर डाल देते हैं, ये इसको भी डाल के अच्छे से चला देते हैं। चने हमारे बन के तैयार हो गए हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया और ये नींबू डाल के अच्छे से मिक्स करके सर्व करते हैं। आप चाहें तो बिना टमाटर और प्याज के भी सर्व कर सकते हैं। ये चाट मसाला ऊपर से डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चने की रेसिपी फ्रेंड्स आपको पसंद हो तो आप भी ट्राई करें, स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी रेसिपी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।